आने वाले ऐसे होनहार बीच में रोहित कुमार के पास के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय अंबिका चौधरी जी, आज मंच पे आसीन बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय एम एल भारती जी, मंच पे आसीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय ओपी वाजपेयी जी, जिला के जिला अध्यक्ष माननीय राधेश्याम सूर्यवंशी जी, यादव समाज के जिला के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र यादव जी, माननीय लहरी यादव जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती जानकी देवी चंद्रा जी, अमन प्यासीन समस्त अतिथिगण, अब आज यादव समाज के बृहद रूप से उपस्थित मेरे समस्त सम्मानी यादव समाज के पदाधिकारी साथीगण, नौजवान एवं बहुजन समाज पार्टी के मेरे समस्त कर्मठ कार्यकर्ता साथीगण, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा जय जय श्री कृष्ण। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि आप छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के इस ग्रामीण अंचल में आज माननीय अंबिका चौधरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका आज यहाँ पर आगमन हुआ है। ग्राम तालदौरी में उनका चरण पड़ा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज यादव समाज के सामुदायिक भवन का जो है लोकार्पण उनके कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जांजगीर चांपा जिला में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई पारा टोला नहीं है जहां यादव समाज के लोग निवास नहीं करते, लेकिन कम शिक्षा होने के कारण, जमीन जायदाद कम होने के कारण लगभग जांजगीर चांपा के पूरे यादव समाज गरीबी में अपने जीवन यापन करते हैं और मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। जब मैं विधायक बना तो भैया मंच पर आसीन है हमारे परम सम्मानी लहरी यादव जी, यहाँ के रूप सिंह यादव जी, इन्होंने मुझसे कहा कि विधायक तो बहुत बने लेकिन हमने समाज के लिए कहा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका अगर विचार आता तो यादव समाज को भी आप पहचान दे दीजिए, आपका भी नाम रहेगा। हमने आपके इस गांव तालदेवरी में अपने निधि से 5 लाख रुपए सामुदायिक भवन यादव समाज के लिए दिया, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। इसी प्रकार धोतिया में मनकादाई मंदिर के पास, जहां पर गोपी कृष्ण का मंदिर यादव समाज के लोग बना रहे हैं, 3 लाख रुपए यादव समाज के सामुदायिक भवन के लिए वहां पर जो है दिए हैं। ग्राम मुनिडी में यादव समाज के लिए जो है 4 लाख रुपए जो है वहां सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति अभी किए हैं, बनना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, बाकी बहुत जल्दी जो है राशि आ चुका है, बनना प्रारंभ हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, मेरे इस जयपुर विधानसभा में भी यादव समाज इतनी तादाद में है, कोई चाहे तो किसी को विधायक बना सकते हैं और किसी को हटा भी सकते हैं। आज जयपुर विधानसभा में यादव समाज की मतदाता 14,000 है, 14,000, लेकिन चूंकि आप अलग अलग बटे हुए हैं, संगठित रूप से नहीं है, इसलिए आप लोगों की अपनी उपस्थिति जो है याद नहीं रहता। आज मैं पूरे यादव समाज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे नेता जी आए तो आपने उनका सम्मान करने के लिए कोई दल पार्टी नहीं देखा, बल्कि एकजुट होकर के पूरा यादव समाज के लोग अपने काम को भी छोड़ करके यहाँ पर आकर के उनको सम्मान दिए हैं। इनके लिए मैं पूरे यादव समाज का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं आज के उद्बोधन के लिए यादव समाज की तरफ से यादव समाज के जिला के अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने संक्षिप्त उद्बोधन दें। माननीय नरेंद्र यादव जी और उसके पूर्व
माननीय वेदराम टोटे जी जो कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लोकसभा के पूर्व प्रभारी हैं, हम सब के मार्गदर्शक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आसीन माननीय अंबिका चौधरी जी, माननीय एम एल भारती जी, माननीय वाजपेयी जी का जो है माल्यार्पण से स्वागत करें माननीय वेदराम टोटे जी, माननीय नरेंद्र यादव जी। उत्तर प्रदेश से माननीय अंबिका चौधरी यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ ग्राम तालदेवी के इस पवन भवन पर अपना चरण को छोड़ने के लिए आए हैं। हम उनके आभारी हैं और हमारी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो विगत चरण चरण वंदन करता हूँ और हमें अपना बदला समझ कर और आगे अपने बढ़ाने का सहयोग दें। आप अपना घर और अपना बाड़ी को विराम देता हूँ। इसे शुभकामनाएं।